और आवाज सही जा रहा है कि नहीं इसको भी चेक कर लीजिएगा आप, चेक करके हम कैसे बताइएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग, मैं अजय उपाध्याय। हम लोग भारतीय संविधान पे बातचीत कर रहे थे। भारतीय संविधान में अब तक हमने आपको सिखाया भाग एक नागरिकता। मैंने आपको बताया था कि आप 22वां भाग से लेकर 22वां राज्य से लेकर 29वां राज्य को आप क्रम से याद रखिएगा। तो आइए मैं एक बार आपको बता दूं, भारत का 22वां राज्य सिक्किम बना, भारत का 23वां और 24वां राज्य मिजोरम और अरुणाचल, भारत का 25वां राज्य गोवा 1987 में बना। उसके बाद 2000 में तीन राज्य बनते हैं, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। तो आपको याद रखना है 1, 9, 15। 1 नवंबर 2000 को बनता है आपका छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ जो होता है मध्य प्रदेश से अलग किया गया। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया। और 2 जून 2014 को आपका एक नया राज्य बना है अभी हाल ही में, तो इसलिए 2 जून 2014 का डेट याद रखिएगा, आपका वह राज्य तेलंगाना है। मित्रों, ये था आपका भाग एक। अब हम आपको भाग दो समझाते हैं। टेट सीटेट के अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखेंगे कि भाग दो जो आपका है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ना है, इसमें हम लोग ऐसे क्या चीजों पर फोकस करें जो हमारे लिए एग्जाम के लिए काफी उपयोगी हो। नागरिकता, तो पहले हम आपको नागरिकता का भाव समझाएंगे। देखिए, सिविल की कक्षाओं में इस पर बहुत काफी विस्तार से डिबेट होता है। नागरिकता बहुत लंबे समय तक चलने वाला अध्याय है, लेकिन यहाँ पर चूंकि टेट सीटेट का बैच है, अतः हमको उन्हीं चीजों को खास करके ध्यान देना है जो हमारे लिए एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो चलिए, हम आपको सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि नागरिक किसे कहते हैं। नागरिक, नागरिकता की जो सबसे प्राचीनतम परिभाषा है वह यूनान देश से निकला है। नागरिकता की सबसे प्राचीनतम परिभाषा यूनान देश से निकला है, और विश्व के सभी देश यूनानियों के इस बात के लिए ऋणी है कि आखिर में नागरिक किसे कहते हैं। भारतीय संविधानानुसार जो नागरिक का परिभाषा एडॉप्ट किया गया, कहा गया कि नागरिक वह है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है। शर्त नंबर एक, कि वह भारत का अस्थाई निवासी हो, वह भारत का अस्थाई निवासी हो। दूसरा, कि उसे भारत में तीन प्रकार के अधिकार प्राप्त हों। वह तीन अधिकार है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और तीसरा ये है कि वह हमारे देश, हमारे संविधान के प्रति निष्ठा का भाव रखता हो, तो वह नागरिक है। नागरिक होने का जो मूल कसौटी है, संविधान के प्रति निष्ठा। नागरिक होने का जो मूल कसौटी है वह अधिकार होता है। हम अधिकारों के आधार पर ही नागरिक को तय करते हैं,
अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति पूछे कि नागरिक कौन है, तो एक लाइन का जवाब दीजिए, नागरिक वह है जिसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो भारत में जो सामाजिक अधिकारों का उपभोग करे, सामाजिक अधिकार से तात्पर्य भारत में आयोजित होने वाले किसी सामाजिक समारोह, सामाजिक सम्मेलन में पार्टिसिपेट करे, आर्थिक अधिकार भारत में भूमि खरीद सके, बेच सके, गिरवी रख सके, किसी बैंक से ऋण ले सके, राजनीतिक अधिकार वोट दे सके, चुनाव में पार्टिसिपेट कर सके, सरकार के नीतियों की आलोचना कर सके। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों अधिकारों का उपभोग भारत में करता है, दैट इज कॉल्ड सिटीजन, वही तो नागरिक है। नागरिक होने की कसौटी अधिकार होता है, और जो ये तीन अधिकारों का उपभोग करेगा वह नागरिक होता है। दूसरा प्रश्न है, नागरिक और विदेशी में क्या डिफरेंट होता है? विदेशियों को केवल एक ही अधिकार प्राप्त होता है, वो होता है सामाजिक अधिकार। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाता है, जब कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाता है तो वह दूसरे देश में जाकर विदेशी हो जाता है, या कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में आता है तो हमारे देश में आकर वह विदेशी हो जाता है। लेकिन भारत में जो विदेशी होते हैं, उन विदेशियों को सामाजिक अधिकार ही प्राप्त होता है, भारत में उन्हें आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो विदेशी और नागरिक में मूलतः अंतर यही है कि विदेशियों को केवल एक अधिकार प्राप्त है, नागरिकों को तीनों अधिकार प्राप्त है। अब हम आपको बताते हैं नागरिक और मतदाता में क्या अंतर है। एक देश में निवास करने वाले सभी नागरिक मतदाता नहीं होते हैं। गौर करिएगा, किसी भी देश का संविधान यह तय करता है कि मतदाता कौन है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दो आर्टिकल्स, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326, मतदाता होने का प्रमाण पत्र देता है कि मतदाता कौन है। भारतीय संविधान अनुसार मतदाता वह होगा जो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। हमारे मूल संविधान में 21 वर्ष की आयु को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वयस्क कहा जाता था, और ऐसे वयस्क को मताधिकार, वयस्क, ऐसे व्यक्ति को जो वयस्क हैं उन्हें मत देने का अधिकार था, अर्थात वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अडॉप्ट किया गया। वयस्क व्यक्ति ही मतदाता होगा, तो मूल संविधान में मतदाता होने की जो न्यूनतम आयु थी 21 वर्ष था, जिसे संशोधन किया गया 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 और मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो एक देश में रहने वाले सभी नागरिक मतदाता नहीं होते हैं। मतदाता तो वही होगा जो 18 वर्ष की आयु को पूरा कर लिया है। ये संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसी संशोधन से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो मतदाता वह है जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर लिया है। अगर हम इसको इस तरह से डायग्राम बनाएं, वेन डायग्राम में दिखाएं, तो नागरिक का सर्किल बड़ा होगा, मतदाता का सर्किल नागरिक के सर्किल के अंतर्गत होगा। ये देखिए, सभी मतदाता नागरिक होते हैं। मतदाता होने की दो शर्तें, पहला कि वो नागरिक हो, और दूसरा ये कि वो भारत का 18 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो। तो मतदाता होने की दो शर्तें, पहला शर्त ये कि वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा शर्त ये कि वो 18 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो, वो मतदाता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो सभी मतदाता नागरिक होते हैं, लेकिन सभी नागरिक मतदाता नहीं होते हैं। एक 17 साल का व्यक्ति नागरिक है लेकिन मतदाता नहीं है, 18 वर्ष की आयु जब वो पूरा कर लेगा तो मतदाता होगा। तो अब तक मैंने आपको तीन बातें सिखाया कि नागरिक क्या है, विदेशी क्या है, मतदाता क्या है। तो एक बार मैं फिर से इस पर प्रकाश डालूंगा कि नागरिक को तीन अधिकार प्राप्त होता है, विदेशी को केवल एक अधिकार प्राप्त होता है, और मतदाता होने की दो कसौटी है। पहला तो ये कि वो नागरिक हो, अर्थात तीनों अधिकारों का उपभोग करता हो, और दूसरा ये कि 18 वर्ष की आयु को पूरा कर लिया हो। ठीक है, हमारे संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया है। तो पहला सवाल तो आपसे एग्जामिनर यहीं पर बनाएगा
कि नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है, तो आप जवाब दीजिएगा भाग दो अनुच्छेद 5 से 11। अब यहां देखिए, नागरिक शब्द का भाववाचक संज्ञा ही नागरिकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नागरिकता यह बोध कराता है कि व्यक्ति किस देश का नागरिक है। वह जिस देश का नागरिक होगा उस देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में पार्टिसिपेट करेगा। तो नागरिकता जो है नागरिक शब्द से ही बना है, उसी का वह भाववाचक संज्ञा है। हमारे संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अनुच्छेद 6 में कहा गया है, एक बार मैं पूरा लिख लूं आपको समझा देता हूं। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, अनुच्छेद 8 भारतवंशियों की नागरिकता, अनुच्छेद 9 नागरिकता का समापन, अनुच्छेद 10 नागरिकता का अपहरण, और अनुच्छेद 11 ARTI का मतलब अनुच्छेद है नागरिकता में संशोधन। अब आइए हम लोग विस्तार से समझते हैं, मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं। यहां पर 5 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, या तो मैं आपको 5 क्वेश्चन ऐसे बता दूं आप रट लें, या फिर मैं इसको समझा के बता दूं, तो मैं इसे समझा के बताऊंगा। चलिए, संविधान प्रारंभ होने पर नागरिकता, संविधान का प्रारंभ कब होता है महोदय, तो संविधान का प्रारंभ 26 जनवरी 1950 को होता है। तो संविधान कहता है 26 जनवरी 1950 से पहले यदि किसी बालक का जन्म भारतीय राज क्षेत्र में हुआ है तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा। गौर करिए, जो भी घटनाएं हैं संविधान लागू होने से पहले की हैं। संविधान लागू होने से पहले अगर किसी बालक का जन्म भारतीय राज क्षेत्र में होगा तो भारत का नागरिक समझा जाएगा। अथवा दूसरा पॉइंट बनाया गया कि उसके माता पिता भारतीय राज क्षेत्र से संबंधित हो, तो इस आधार पर भी वह अनुच्छेद 5 के तहत भारत की नागरिकता को धारण कर सकता है। अथवा तीसरा ग्राउंड बनाया गया कि वह संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में निवास कर रहा हो, अर्थात अधिवास कर रहा हो, तो इस आधार पर भी वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। अर्थात अनुच्छेद 5 में 3 द्वार बनाए गए और कहा गया भारतीय नागरिकों से कि आपको जो द्वार सुटेबल लगे, जो द्वार अच्छा लगे, उस मार्ग से आप भारत की नागरिकता को ग्रहण करो। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जब देश का विभाजन हुआ तो गांधी जी ने कहा था कि यह देश जिसको आजाद कराने में हमें कितने यातनाएं, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और आप इसको आप सरलता से बांट रहे हो, लेकिन यह विभाजन जो होगा भौगोलिक सीमाओं का होगा, तबादला आबादी नहीं होगा, लेकिन
बहुत सी जनसंख्या भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत को प्रवजन करने लगी, माइग्रेट करने लगी, तो बहुत से लोग जो खास करके हिंदू बहुसंख्यक थे उनको भारत आए, और खास करके जो मुस्लिम बहुसंख्यक लोग थे वो कहाँ गए, पाकिस्तान। तो ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता देने का प्रावधान अनुच्छेद 6 और 7 में किया गया, और कहा गया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आने वाले हैं ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता देने का प्रावधान 6। तो जो पाकिस्तान से भारत आए उनको नागरिकता अनुच्छेद 6 के माध्यम से दिया गया, और बहुत से व्यक्ति जो खास करके मुस्लिम बहुसंख्यक थे, यहां से अधिकांश मुस्लिम पाकिस्तान गए तो वहां पर गए, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अनुच्छेद 7 जोड़ा गया। कैसे? तो यहाँ डेट रखा गया कि अगर कोई 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आता है तो वह स्वतः भारत का नागरिक होगा, लेकिन अगर इसके बाद तथा 26 जनवरी 1950 के पहले आता है तो ऐसे व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन से नागरिकता दिया जाएगा। तो इस प्रकार पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता 2 तरीके से दिया गया, एक स्वतः मार्ग, दूसरा रजिस्ट्रेशन का मार्ग। स्वतः मार्ग उस पर भारित होता था जो 19 जुलाई 1948 के पहले आता था, और रजिस्ट्रेशन से नागरिकता उनको दिया गया जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए। बहुत से व्यक्ति भारत छोड़कर पाकिस्तान गए, ऐसे लोगों के लिए अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में कहा गया कि वे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 को भारत छोड़ दिए भारत का नागरिक नहीं है। लेकिन हमारा संविधान बड़ा उदार है महोदय, कहता है कि आप भारत से पाकिस्तान जाओ, अगर तुम दोबारा फिर पाकिस्तान से भारत आओगे तो हम तुम्हें भारत के नागरिक बना लेंगे। लेकिन कैसे? वही अनुच्छेद 6 का सिद्धांत लागू होगा कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 को भारत छोड़ दिया भारत का नागरिक नहीं होगा, लेकिन दोबारा पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे हम भारत का नागरिक बना लेंगे। लेकिन कैसे? अगर वह 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया तो स्वतः भारत का नागरिक, यदि वह 19 जुलाई 1948 के बाद आया तो रजिस्ट्रेशन से भारत की नागरिकता को धारण करेगा। तो आप देखें, बहुत एक मैं माइनूट बात करने जा रहा हूं। यहां पर पाकिस्तान से भारत आने वाले 2 तरह के लोग हैं, एक जो सीधा पाकिस्तान से चल के आए वे अनुच्छेद 6 से नागरिकता ले रहे हैं, लेकिन वे व्यक्ति जो भारत छोड़कर गए और फिर भारत आए ऐसे लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान 7 में है, तथा वे व्यक्ति जो भारत छोड़ दिए वे भारत के नागरिक नहीं रहेंगे अनुच्छेद 7 प्रावधान करता है। अनुच्छेद 8 भारतवंशियों की नागरिकता। हमारे भारतीय मूल के बहुत से भाई विदेशों में थे, है ना, कुछ ब्रिटिश व्यवस्था के कारण, और कुछ ऐसे अपने रोजगार की तलाश में चले गए, कुछ शोषण के शिकार हुए इसलिए चले गए, कुछ क्रांतिकारी कारण से चले गए। तो ऐसे व्यक्तियों की सरकार ने सुध लिया अनुच्छेद 8 में और कहा कि अय मेरे भारतीय मूल के भाई, अगर तुम किसी कारणवश विदेशों में हो तो तुम भारत की नागरिकता को धारण कर सकते हो रजिस्ट्रेशन से। मैं उस देश में दूतावास खोल रहा हूं, उसी देश में जाओ, तुम्हारी सुविधा के लिए दूतावास खुला है, और उस दूतावास में जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करो, हम तुम्हें रजिस्ट्रेशन से नागरिकता दे देंगे। ठीक है, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? नागरिकता का समापन, आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ध्यान रहे, स्वेच्छा से जब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को धारण करोगे तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत 2 देशों की नागरिकता में विश्वास नहीं करता है। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, संविधान कहता है निष्ठा 2 देशों के साथ नहीं हो सकती, या तो आप भारत का बन के रहिए या तो आप विदेश का बन के रहिए। तो नागरिकता का समापन, जो ही आप स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को आप ग्रहण करोगे भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। नागरिकता का अपहरण, कहा गया है कि संसद विधि द्वारा आपकी नागरिकता छीन सकता है, यह अधिकार केवल संसद को है, जीएस का सुपर डुपर हिट क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति को नागरिकता संबंधी अधिकारों से वंचित कौन कर सकता है? संसद। कैसे? विधि बनाकर। तो संसद विधि बनाकर आपकी नागरिकता को छीन सकता है, लेकिन टेट सीटेट में बहुत ही सिंपल सवाल होगा कि नागरिकता छीनने का अधिकार किसे है? एक लाइन का जवाब, संसद को।
तथा नागरिकता में संशोधन करने का भी अधिकार संसद को भी है। तो यहाँ पर कई बातें हो गई। नागरिकता का समापन स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की समाप्त हो जाएगी, नौ कहता है। नागरिकता कौन छीन सकता है? संसद। तथा नागरिकता संबंधी प्रावधान में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। संसद ने नागरिकता संबंधी प्रावधान में संशोधन किया और बहुत से संशोधन कर डाले। अपने इस संशोधन शक्ति का प्रयोग करते हुए 1955 में संसद ने संशोधन किया, 1986 में किया, 1992 में किया, 1992 में किया, उसके बाद 2003 में किया और 2005 में किया और रिसेंटली 2012 में किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार अब तक संसद ने अपने संशोधन शक्ति का प्रयोग करते हुए नागरिकता खंड में 6 बार संशोधन कर डाला है। तो आपको यहां से 6 संशोधन नहीं आपको यहां पढ़ना है, आपको तो केवल ये जानना है कि पहली बार संशोधन संसद ने कब किया। तो जानते रहिए 1955 में किया, ठीक है। अब हम अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंचते हैं और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात मैं समझाऊंगा। गौर करिएगा कि जब हमारे संविधान निर्माता संविधान का प्रावधान एडॉप्ट कर रहे थे, संविधान संबंधी नागरिकता संबंधी व्यवस्था को संविधान में एडॉप्ट ले रहे थे, तो उनके सामने दो देश थे आदर्श के रूप में प्रेरणा स्वरूप। एक तरफ था ब्रिटेन और दूसरी तरफ था अमेरिका और ये है आपका भारत। ब्रिटेन में एकल नागरिकता है जिसे हम इकहरी नागरिकता कहते हैं और अमेरिका में जो था दोहरी नागरिकता था। संविधान सभा के सदस्य बड़ा असमंजसमंद थे कि हम एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता का प्रावधान करें कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान करें। दोहरी नागरिकता जहां संघीय स्तर पर तथा प्रांतीय स्तर पर नागरिकता दिया जाए वहां दोहरी नागरिकता, और जहां केवल संघ के स्तर पर नागरिकता दिया जाए वहां पर एकल नागरिकता। अमेरिका में संघीय स्तर पर भी नागरिकता प्राप्त है तथा प्रांतीय स्तर पर भी नागरिकता प्राप्त है। यहां संघ का तात्पर्य केंद्र से है। तो जहां दोनों स्तर पर नागरिकता दिया जाए वहां पर दोहरी नागरिकता। हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है, अतः ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर उन्होंने एकल या इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया, एकल नागरिकता का प्रावधान किया। लेकिन महोदय अपवाद स्वरूप जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। तो भारत में एग्जामिनर सवाल पूछेगा भारत में कैसी नागरिकता प्राप्त है, तो आप कहिएगा एकल नागरिकता। दूसरा सवाल करेगा कि किस राज्य के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, तो राज्य आपका कौन सा है? जम्मू कश्मीर। हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकता संबंधी प्रावधान को लागू कर दिया 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता संबंधी प्रावधान को लागू कर दिया। तो ये था आपका भाग दो नागरिकता। टेट सीटेट के अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अधिकतम कितना सवाल बनाया जा सकता है। तो आइए मैं आपको सवाल पर एक बार मूल्यांकन करूं जहां से एग्जामिनर सवाल आपको बना सकता है। आपको मतदाता के बारे में जानते रहना है और ये भी जानते रहना है कि मताधिकार की आयु घटाकर कब 18 वर्ष किया गया, नागरिकता किस भाग में है ना, किस अनुच्छेद में, कहां से कहां अनुच्छेद में ये सवाल बनेगा। भारत में कैसी नागरिकता, एकल या इकहरी नागरिकता, अपवाद स्वरूप जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता, ये लागू कब हुआ भाग दो, 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, ठीक है। तो ये आपके जो है मूलभूत क्वेश्चन है। प्रावधान में 5 से 11 कोई खास प्रावधान नहीं पूछेगा कि अनुच्छेद 7 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 8 में क्या लिखा है, लेकिन उसके भाव को जानते रहना है। जैसे नागरिकता छीनने का अधिकार किसको है? संसद को है। नागरिकता में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। तो कुछ वैसे जो है ऑनलाइनर क्वेश्चन आपको
जानते रहना है। ठीक है, तो ये था आपका भाग दो नागरिकता। अब हम आपको लेकर चलेंगे सीधे भाग तीन में, जहां भाग तीन में हम लोगों को पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स। अब आते हैं हम लोग भाग तीन। भाग तीन में हम छेदों की संख्या है 12 से 35। इसमें क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक को हम देखें यहां पर, मौलिक अधिकार, इसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, मौलिक धन अधिकार। हम मौलिक को मूलभूत भी कह सकते हैं, हम मौलिक को फंडामेंटल भी कह सकते हैं, हम मौलिक को बेसिक भी कह सकते हैं, हम मौलिक को जरूरी या आवश्यक भी कह सकते हैं, और यहां पर आपका अधिकार मीन्स राइट्स। अगर हम मौलिक अधिकार को शॉर्ट फॉर्म में कहें तो देखिए, इसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो यहां से एफ लीजिए, यहां से आर। जब भी आपसे कहा जाए फंडामेंटल राइट्स, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे ऐसे ही लिखता हूं फंडामेंटल राइट्स को एफ आर। एफ आर का मतलब फंडामेंटल राइट्स। अब यहां देखिए, हमारे भारतीय संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकार की चर्चा है। मौलिक का मतलब होता है मूलभूत, मीन्स फंडामेंटल, मीन्स बेसिक, मीन्स जरूरी। मीन्स भाग तीन में कुछ ऐसे अधिकारों की चर्चा है जो जरूरी है, जो मूलभूत है, जो आवश्यक है। कुल मिलाकर मामला यह टिका हुआ है कि अधिकार क्या है। अगर हम लोग अधिकार को समझ जाएं तो मौलिक अधिकार को समझना बहुत कठिन नहीं होगा, क्योंकि जब हम अपने अधिकारों को जान लेंगे तो हम लोग ये जान लेंगे कि उसमें जरूरी क्या है। जैसे आपके काम, आपके बहुत से काम पड़े हैं, आपने सारे काम छोड़कर आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं मुझे आप टेट यूपी टेट क्वालिफाइड करना है, सी टेट क्वालिफाइड करना है, तो आपने इसको जरूरी समझा तो आप देख रहे हैं। उसी तरह से अधिकारों में जो जरूरी अधिकार होगा तो वही आपके लिए जरूरी होगा, वही मूल अधिकार होगा। जैसे आपने जरूरी समझा वीडियो देखना कि नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो देखें, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन होंगे, सर पढ़ा रहे हैं, क्लियर हो रहा है, उसी तरह से अगर हम आपको अधिकारों की सूची दे दें तो आप जो है उसमें से कुछ अधिकारों को चिन्हित करेंगे कि इसमें हमारे लिए जरूरी क्या है। तो मामला सब टिका हुआ है अधिकारों पर। व्हाट इज राइट्स, अधिकार क्या है। अगर अधिकार को हम जान लें तो जरूरी हम अधिकार को भी जान लेंगे। तो आइए मैं आपको बताऊं कि अधिकार क्या है, तब हम आपको मौलिक अधिकार बताते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, गौर करिए, मैं एनालिसिस करके रख रहा हूं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार एक मांग है। अधिकार एक डिमांड होता है, हम डिमांड करते हैं किससे? सरकार से, राज्य से। राज्य में सरकार नहीं था, अगर हम राज्य कहें तो आप सरकार समझिए। तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों की मांग करता है, क्योंकि बिना अधिकारों के कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एक अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, अगर आपके स्वतंत्रता छीन ली जाए तो बताइए क्या आदमी डेवलपमेंट कर पाएगा, क्या व्यक्ति अपना विकास कर पाएगा? नहीं। एक बालक को जन्म लेते ही उसको घर में बंद कर दिया जाए, उसकी स्वतंत्रता छीन लिया जाए और सीधे उसको 20 वर्ष बाद निकाला जाए, उसे समाज सोसाइटी से दूर रखा जाए, तो वह व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाएगा। एक बालक को जन्म लेते ही घर में आपने डाल दिया और सीधे 20 साल बाद निकाला, वो समाज में आएगा तो जीवित नहीं रह पाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी।
क्योंकि उसका समाजीकरण नहीं हुआ, क्योंकि आपने उसके अधिकार को छीन लिया, आपने उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को छीन लिया, तो उसका मृत्यु हो जाएगा। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार एक मार्ग होता है, लेकिन यह मार्ग तभी स्वीकार होगा जब आपके अधिकारों के पीछे समाज की शक्ति होगी। आप अकेले जाकर राज्य सरकार से अधिकारों की डिमांड करेंगे तो अकेले राज्य सरकार आपको अधिकार नहीं देगा, आपके अधिकारों के पीछे सोसाइटी या समाज का बल होना चाहिए। तो अधिकार का जन्म वहां होता है जहां सोसाइटी होती है। चलिए कुछ पल के लिए हमें आप राज्य सरकार मानिए। अगर हर स्टूडेंट मेरे पास अकेले आएगा और कहे सर हमें अधिकार दीजिए, तो शायद मैं हर व्यक्ति के इंडिविजुअली अधिकारों को पूरा ना कर पाऊं। लेकिन एक ही अधिकार को लेकर अगर पूरा समूह आता है तो मैं सोचूंगा कि यह लगता है कि यह बड़ा जरूरी है विकास के लिए, तो मैं शायद उस अधिकार को लागू करूं। तो अधिकारों के पीछे सोसाइटी या समाज की शक्ति होती है, तभी उन अधिकारों को राज्य लागू करता है। तो अधिकारों को स्वीकार कौन करता है? समाज। अधिकारों को लागू कौन करता है? राज्य। अब परिभाषा बन गया कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार एक मार्ग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अब उन अधिकारों में जो मूलभूत है, अब जैसे राज्य के पास या सरकार के पास अधिकार पहुंचे कि भाई हमें व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार प्रदान करना है, तो उन अधिकारों में जो मूलभूत अधिकार होते हैं उन्हें ही हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अब मैं फंडामेंटल राइट्स का डिफिनेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार मूलभूत हैं अर्थात जरूरी हैं, वही फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स का प्रभाव उस देश की सीमा तक होगा जिस देश में फंडामेंटल राइट्स प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता आपके पास एक और शब्द आता है, ह्यूमन राइट्स अर्थात मानवाधिकार। मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए होते हैं और यह अधिकार प्रकृति प्रदत्त होते हैं। प्रकृति प्रदत्त का मतलब होता है गॉड गिफ्टेड, और इसका प्रभाव जो होता है पूरे विश्व पर होता है। अब देखिए अंतर, हम आपको फंडामेंटल राइट्स बिटवीन ह्यूमन राइट्स में अंतर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब मानव इस धरती पे कदम रखता है तो ईश्वर ने उसे कुछ शक्तियां दे रखा है, जैसे सांस लेने का अधिकार, जैसे जीने का अधिकार, ह्यूमन राइट्स। प्रकृति प्रदत्त अधिकार, गॉड गिफ्टेड अधिकार, ह्यूमन राइट्स। हंसने का अधिकार, ह्यूमन राइट्स, है ना। तो भगवान ने, ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने जो हमें अधिकार दे रखा है इस धरती पर, उन अधिकारों का जो हम उपभोग करते हैं अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, वह ह्यूमन राइट्स है। और ह्यूमन राइट्स का प्रभाव पूरे विश्व पर होगा। महोदय आप हमें ये बताओ कि अगर सांस लेने का अधिकार मानवाधिकार है तो भारत में सांस लेंगे, अमेरिका में जाएंगे तो सांस रुक देंगे क्या? नहीं ना, वहां भी सांस लेते रहेंगे। तो वे अधिकार जिसका उपभोग पूरा विश्व पर आप करते रहें, वे मानवाधिकार, इसे कहीं नहीं रोका जा सकता है, यह पूरे विश्व पर प्रभावी होता है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स का प्रभाव तो उस देश ही तक होगा ना जिस देश में यह प्रदान किया जाएगा। जैसे आपको भारत में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, आप कनाडा जाकर ये नहीं कह सकते कि भैया हमारे देश में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, आपके यहाँ 4 ही क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स उस देश के सीमा तक ही लागू होता है। अब यहां देखिए, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक बार मैं फिर इसका स्थापना लिख दूं, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया और विश्व के देशों को आगाह किया कि ऐ दुनिया के देशों, ये देखो प्रकृति प्रदत्त अधिकार है, इन अधिकारों का मानव समुदाय विश्व के किसी भी कोने में रहकर उपभोग कर सकता है। तो इसीलिए 10 दिसंबर को एक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं
और वह दिवस है मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस। तो 10 दिसंबर 1948 की घटना कभी मत भूलना। जीएस का सुपर डुपर हिट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सार्वभौमिक यूनिवर्सल सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र कब जारी किया था? तो 10 दिसंबर 1948 को। और इसीलिए 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। ठीक है, हमारे संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार रखे गए थे, 7 फंडामेंटल राइट्स रखे गए थे, जिसमें से एक फंडामेंटल राइट्स निरसित कर दिया गया अर्थात समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और ये 6 मौलिक अधिकार आपको मैं दिखा रहा हूं। लेकिन 6 मौलिक अधिकार को जानने से पहले आपको मौलिक अधिकार की विशेषता को जानना होगा। फंडामेंटल राइट्स की विशेषता पर अगर हम लोग बात कर लें तो विशेषता पर एक सवाल आपका बनता ही बनता है। तो गौर करिए, विशेषता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर एक सवाल। फंडामेंटल राइट्स की जो पहली विशेषता है कि फंडामेंटल राइट्स व्यक्तियों को प्राप्त है और व्यक्ति शब्द के अंतर्गत विदेशी और नागरिक दोनों आते हैं। लेकिन हां, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसका उपभोग केवल मात्र केवल नागरिक करेगा, जैसे 15, 16, 18 का खंड 2, 19, 29, 30। यह ऐसे अनुच्छेद हैं भाग 3 के जिसका लाभ केवल नागरिक उठाएगा। बाकी इन अनुच्छेदों को अगर छोड़ दिया जाए तो समस्त फंडामेंटल राइट्स का उपभोग विदेशी और नागरिक दोनों करते हैं। तो जीएस में पूछा जाता है मौलिक अधिकार किसे प्राप्त है, तो आप कहिए विदेशी और नागरिक दोनों को प्राप्त है। लेकिन जो मैं यहाँ पे आर्टिकल्स लिखा हूं, इन अनुच्छेदों का उपभोग वही कर सकता है केवल जो भारत का नागरिक है। दूसरी विशेषता मौलिक अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तीसरी विशेषता, फंडामेंटल राइट्स वाद योग्य होता है, यह वाद योग्य है, यह न्याय योग्य है, इसके उल्लंघन पर आप अदालत जा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के संरक्षक जो होता है न्यायपालिका है। अब प्रश्न है कि कौन सी न्यायपालिका? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही आपके मौलिक अधिकार की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट का द्वार आप खटखटाओगे। यदि कोई आपके मौलिक अधिकार का अतिक्रमण करे, उल्लंघन करे, आपके मौलिक अधिकार आहत हो, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो, मौलिक अधिकार से संबंधित किसी भी प्रकार का वाद अथवा मुकदमा या लिटिगेशन, सॉरी हाँ, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर नहीं कर सकते, क्योंकि मौलिक अधिकार पर किसी भी प्रकार का वाद लेने या याचिका लेने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं है। ठीक है, अगली विशेषता हम लोग बात कर लें, और अंतिम विशेषता कि फंडामेंटल राइट्स निलंबित हो जाते हैं। निलंबित कब? जब आपातकाल लागू होता है, 352 लागू होता है, आपातकाल के समय आपके मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, लेकिन 20 और 21 निलंबित नहीं होगा, अनिलंबनीय है। आपातकाल के समय भी यह जिंदा रहता है, अनिलंबनीय। तो जीएस का हिट क्वेश्चन, आपातकाल के समय आपका कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं हो सकता है? तो है आपका 20 और 21। कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? तो वह आपका है अनुच्छेद 19। तो ये है फंडामेंटल राइट्स की विशेषता। आइए एक बार हम आपको फिर से बता दें कि मौलिक अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है, जिसमें विदेशी और नागरिक दोनों आएंगे। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, न्याय योग्य होते हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षक न्यायपालिका है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, और आपातकाल के समय अनुच्छेद 352 जब देश में लागू होता है, तो जिस परिक्षेत्र में अनुच्छेद 352 प्रभावी होगा, वहां पर मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा।
अन्य मौलिक अधिकार भी निलंबित हो जाएंगे सिवाय 20 और 21 को छोड़कर। अब आइए, अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपने मौलिक अधिकारों की तरफ। तो सबसे पहला आपका जो मौलिक अधिकार है, आपको लिखकर मैं दिखाऊं कि कौन कौन मौलिक अधिकार है। तो आपका जो पहला फंडामेंटल राइट्स है वह समता का अधिकार है, समता का या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। तो पहला अधिकार पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार आपका है 19 से लेकर 22 तक। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तेईस चौबीस। उसके बाद चौथा नंबर पे आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पच्चीस से अट्ठाईस। उसके बाद पांचवे नंबर पर आएगा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, इसके लिए केवल दो अनुच्छेद 29, 30। और जो छठे नंबर का अधिकार है संपत्ति का अधिकार, इसे ही निरसित कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था, इसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से निरसित कर दिया गया। आप यहां पर निरसित का भाव केवल समाप्त समझ जाएं, लेकिन निरसित का अर्थ समाप्त नहीं होता है। निरसन रिपेल का मतलब होता है, यहां पर तो आप समाप्त ही समझें, निरसित का अर्थ बहुत व्यापक होता है। ये सब सिविल कक्षाओं में आपको बड़ा ही विस्तार से बताया जाएगा इसमें कि संपत्ति के अधिकार ही तो सिविल का यह मुख्य विषय होता है। लेकिन सीटेट और यूपीटेट के अभ्यर्थियों को यहाँ पर यह बात जरूर जानते रहना है कि जो आपका संपत्ति का अधिकार है किस संशोधन से समाप्त किया गया। और अंतिमवां अधिकार है, सातवां अधिकार, वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह है अनुच्छेद 32 में। तो ये आपके हैं सात अधिकार, जिसमें से पांचवें क्रम का अधिकार को आपका निरसित कर दिया गया है। तो एक बार ध्यान से इसे देख लीजिए, सबसे पहला सवाल जो होगा इस ड्राफ्टिंग पे होगा, है ना, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये है आपका सात अधिकार, जिसमें से एक अधिकार निरसित है अर्थात समाप्त है, आपके बचे छह अधिकार। ठीक है, तो अब हम लोग कल के एपिसोड में, कल के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे और ये सातों अधिकार को कल हम लोग आराम से पढ़ लेंगे कि यहाँ पर संभावित कितने सवाल बनेंगे, उन सारे चीजों को हम तथ्यात्मक समझाते हुए आगे बढ़ेंगे और आपको अधिकार समझा देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, कोई समस्या हो कमेंट करते रहिए, है ना, सिलेक्शन आपका होगा।